एवरीवन, चलिए आज मैं अपने किचन में लेके आई हूँ तीखे तीखे स्पाइसी स्पाइसी चटपटे मोमोज की रेसिपी। ये काफ़ी टेस्टी है। चलिए आप सब अब वीडियो देखिए और मेरे वीडियो फॉलो कीजिए। इसको थोड़ा सा और बना देते हैं फ्रेंड। तब तक हम लोग मोमोज की चटनी बनाते हैं। ये है बॉयल वाला पानी, इसको गर्म करके रखा था मैंने और इसमें डाल के ये लाल मिर्च है उसको 10 से 15 मिनट हो गए हैं। उसके बाद ये टमाटर है, इसको बड़े बड़े साइज़ में कटिंग कर दी हूँ मैं। चलिए इसमें हम लोग हल्का सा ऑयल डालते हैं, उसके बाद टमाटर लहसुन इसको हल्का सा पकाएंगे, इसमें नमक डाल देते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। रियली फ्रेंड, आप अपने घर में मोमोज बनाइए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही, अगर आप चाहें तो स्पाइसी। एक्चुअली क्या, हम अपने घर में बनाते हैं तो अपने हिसाब से हम स्पाइसी या फिर कम मिर्ची वाले हम बना सकते हैं, जैसे हमको पसंद है वैसा। ये 3 से 4 मिनट बस पकाएंगे। अब ये मिर्ची के साथ जो मिर्ची वाला पानी है इसको निकाल के मिर्ची को डाल देंगे और इसको भी थोड़ा सा पकाएंगे इसके साथ। अब चलिए इसमें हम लोग जो पानी है उसको भी डाल देते हैं, जो मिर्ची भिगाए थे इसमें। देखिए अच्छे से बॉईल हो गया है। अब चलिए हम लोग इसको जार में डाल देते हैं और ग्राइंड कर लेते हैं। इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। चलिए फ्रेंड, ये स्टफिंग है हमारी ठंडी हो गई है पूरी तरीके से। अब इसमें हम लोग नमक डाल देते हैं। नमक भी आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चलिए फ्रेंड, ये हमारा मोमोज रेडी हो गया है। देखिए अब हम इडली के साथ चलेंगे, उसमें हम पानी लेंगे। उसके बाद देखिए, चलिए इडली के सांचे में ऑयल लगाकर मोमोज को हम लोग बॉईल होने के लिए रख देंगे। ये ऊपर वाला सांचा भी ले रही हूँ, बीच वाला सांचा मैंने नहीं लिया क्योंकि गैपिंग चाहिए। चलिए कुछ ही टाइम में इडली हमारा रेडी हो गया है। अब हम लोग देखते हैं जो चटनी रखे हैं पीसने के लिए उसको ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए कुछ ही टाइम में हमारा चटनी भी रेडी हो गया है। चलिए फ्रेंड, ये जो डो है उसको और अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है मैंने, स्टफिंग की तैयार है। अब इसको हम लोग लोई जैसे तोड़ लेते हैं, उसके बाद गोल गोल पूड़ी के आकार का बेलेंगे। चलिए इसको लोई बनाते हैं।
चम्मच लेंगे हम लोग स्टफिंग। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इसका सेप ऐसे मोड़ मोड़ के, जैसे हम लोग मोदक बनाते हैं तो मोदक में जैसे बनाया जाता है वैसे ही सेप में बनाएंगे। देखिए ये हमारा मोमोज रेडी हो गया है। देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ का बनाया है। चलिए हम लोग और बनाते हैं। हम लोग निकाल के देखते हैं, ये हमारा मोमोज रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा। चलिए इसको निकालते हैं। देखिए फ्रेंड ये मोमोज है, इसको मैं फ्राइड वाला भी बनाती हूँ। फ्राइड वाला भी कुछ मिनटों में बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखिए ये हमारा फ्राइड वाला मोमोज भी रेडी हो गया है। तो फ्रेंड आप सभी को कैसा लगा मेरा ये मोमोज की रेसिपी? वैसे मैंने पिछला मोमोज का रेसिपी डाला हुआ है। चलिए फ्रेंड ये निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए चलिए फ्रेंड हमारा ये मोमोज का चटनी, फ्राइड मोमोज और बॉयल वाला मोमोज ये हमारा रेडी हो गया है। काफ़ी अच्छा है और देख रहे हैं आप तो वीडियो में ही। चलिए तो आप सभी को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी? मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल फौरन कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, उसका लिंक आप तक मिल सके।